कैसा महसूस कर रहे हैं? एक तो चतुर्मास और ऊपर से इतने बड़े संत हनुमान जी के ऐसे भगत जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को ना कर दी मिलने के लिए, लेकिन हमारी गौशाला में आने के लिए उन्होंने हामी भरी है। ये जानने के बाद कि 4,000 गौएं और बिना किसी गवर्नमेंट की सेवा के चल रही हैं वो, तो हम तो सबसे यही अनुरोध करेंगे कि सब लोग आइए और गौ माताओं की सेवा कीजिए, यहाँ पे सहयोग कीजिए जितना हो सके, क्योंकि गौ माता ही हमारी माता है। हम उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, गौ माता हमारा पालन कर रही हैं। तो ये सोच के गौ माता की सब लोग जो भी करें वो। अभी महाराज जी से हमारी मुलाकात दतिया में हुई थी, दतिया के बाद आप यहाँ आए थे? हाँ, ओरछा गए थे। हाँ, तो महाराज दतिया में जो हमारी मामी जी हैं वो वहाँ की ट्रस्टी हैं, अनुराधा शर्मा, उन्होंने रिसीव किया। फिर इतने सरल हैं कि महाराज जी की उनको कहा कि माई हमें भोजन भी कराइए, और फिर वो भोजन बनवा के उनका वहाँ ओरछा लेके गई, हमारे यहाँ का भोजन किया। बहुत कृपा करी। और इतने सरल सादे संत, लाखों लोगों की जिसके पीछे भीड़ भाग रही है, जवान बच्चे, वरना किसी की बात नहीं सुनना चाहते, और जवान बच्चों को किस तरह उन्होंने काबू में कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ कि हिंदू राष्ट्र का परचम फहराया है, वो तो बहुत बड़ी बात है हिंदू राष्ट्र के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब इतने हिंदू चुपचाप सो रहे थे, उनको जगाने का काम किया बहुत देर। ये जो दीदी हैं ये खुद रविशंकर जो सबसे इतने बड़े उनके परिवार से है, मतलब उनका बहुत आशीर्वाद को फॉलो करते हैं। क्या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अद्भुत लग रहा है, और यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि 365 दिन रामचरितमानस हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, उसकी वजह से भी बहुत एनर्जी आई है, और गौशाला में 4,000 गायें हैं, तो ये तो हमारा वो भाग्य है कम कि हम इस गौ सेवा में सम्मिलित हों और कुछ कर सके। बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, वो भी कोइंसिडेंटली आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ बाबा मंगलदास जी के साथ। मुझे आज बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि साक्षात हनुमान जी के ही एक अंश आज हमारी गौशाला में आएंगे, और बहुत ही परम खुशी की ये घड़ी है, और पूरी गौ माता का ही एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो हमारे जो बागेश्वर धाम जी आज यहाँ आएंगे, और सबको शुभकामनाएँ और सब आएँ। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोविंदा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।